इन जय भारत में सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जहां पे मैं डिस्कस कर रहा था व्हाट अ बेल्ट एंड व्हाट इज फंक्शन ऑफ बेल्ट तो बेल्ट इज ट्रांसमिट पावर फ्रॉम टू अनदर द पावर इज डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ द द टेंशन इन द बेल्ट Uh, as per discussed in the previous lecture, if the belt is drive from driver to driven shaft, there is a tension in the upper side is called tight uh, tight side and the lower belt is known as the slack side. So let's uh, start with continue. What is the selection of the belt drive? आप selection कैसे करते हैं? So speed of the driven and driven shaft. आप जब belt को select करते हैं तो यह parameter देखते हैं कि किस belt पे आप ऐसा तो नहीं है. Generally कोई भी belt आप use कर देंगे. तो आपको use uh, करते वक्त आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने स्पीड ऑफ द ड्राइवर एंड ड्रिवे सेफ्ट है पावर टू बी ट्रांसमिटेड कितना पावर आपको ट्रांसमिटेड करना है आपको स्पेस अवेलेबिलिटी देखनी है स्पीड रिडक्शन देखना है क्या आपको स्पीड बढ़ाना है या स्पीड आपको घटाना है ए भी आपको देखना है सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द दैफ्ट शेफ्ट लेआउट देखना है सर्विस कंडीशन देखनी सो दैट इज सिलेक्शन ऑफ द बेल्ट ड्राइव सो स्पीड ऑफ द ड्राइवर एंड द ड्रिवन सेट जिसपे स्पीड भेजना है आपको स्पीड रिडक्शन कि उनको कितना स्पीड घटा के वहां भेजना है पावर आपको कितनी ट्रांसमिट करना है सेंटर डिस्टेंस शाफ्ट एक शाफ्ट से दूसरे बीच के कितनी सेंटर डिस्टेंस है उनकी स्पेस लेआउट देखनी है कि शाफ्ट की लेआउट कैसी है पैरेलल है इनक्लाइंट है और स्पेस कंडीशन कितना है तो इस पे इस प्रकार से आप बेल्ट को मार्केट में देखें तो बेल्ट कितने तरीके से मटेरियल से बनती है बेल्ट बेसिकली जो होती है वो तीन तरीके से बेल्ट ड्राइव होती है जो आप जिस तरह से यूज करते हैं मार्केट में लाइट ड्राइव मीडियम ड्राइव और हैवी ड्राइव ये, ये मतलब आपके यूज पे डिपेंड करती हैं कि जैसे लाइट ड्राइव जो बेल्ट होती है तो जब बेल्ट स्पीड जिनकी 10 मीटर प्रति सेकंड तक जहां तक रखनी है वहां पे हम लोग लाइट ड्राइव यूज करते हैं बेसिकली आपने देखा होगा एग्रीकल्चर मशीन में जो पट्टे लगे रहते हैं वहां पे इस तरह के बेल्ट ड्राइव यूज होती है इस तरह के पट्टे यूज किए जाते हैं जहां पर मीडियम आपको टेन मीटर प्रति सेकेंड से ओवर आपको यूज करना है और 22 मीटर प्रति सेकंड से बीस तक यूज करना है मशीन टूल पे तो वहां मीडियम ड्राइव वहां पे आपको ट्रांसफर मीडियम पावर जहां पे मीडियम पावर एट अ बेल्ट स्पीड जहां पे बेल्ट स्पीड आपके 10 मीटर प्रति सेकंड से लेकर 22 मीटर प्रति सेकंड तक बेल्ट स्पीड रहेगी वहां पे आप मीडियम ड्राइव यूज कर सकते हैं हैवी ड्राइव यहां पर जहां बाईस मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा आपको बेल्ट स्पीड रखनी पड़ रही है जैसे जनरेटर कंप्रेस जनरेटर में क्या होता है जनरेटर में पट्टा बहुत तेजी से चलता है वहां भी स्पीड बहुत तेज होती है तो वहां पे आपको हैवी ड्राइव के तरीके अब देखिए मार्केट में डिफरेंट तरह के बेल्ट आते हैं आपने देखे होंगे कि आपका फ्लैट बेल्ट है जैसे आप चक्की पे जाते हैं तो आपको फ्लैट बेल्ट दिखता है फिर आपको बी बेल्ट तो फ्लैट बेल्ट हो गया यहाँ ट्रांसमिट मॉडरेट पावर हम लोग ट्रांसमिट मोस्टली ये फैक्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होती है मतलब इंडस्ट्री इंडस्ट्री जितनी भी है वो फ्लैट बेल्ट होती है आप भी देखते हैं कि जो हम लोग चक्का चक्की अक्की पे जाते हैं आटा आटा आट पे तो हमें फ्लैट बेल्ट दिखती है सो so, यहाँ पे मॉडरेट अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिट मतलब एक अच्छा खासा पावर यहाँ ट्रांसमिट करने के लिए क्षमता होती है और वन पुली टू एन एंड नॉट मोर देन एट मीटर अपार्ट मतलब मतलब दोनों शाफ्ट के बीच आठ मीटर की डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए इससे ज्यादा हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे फिर वी बेल्ट भी हम लोग यूज करते हैं फैक्ट्री एंड वर्क स्पेस फॉर मॉडरेट पावर टू फ्रॉम वन पुली टू पुलिस और दूसरी तो बेल्ट पट्टे को लगा देते हैं इस तरह सो जब पुलियों के बीच की दूरी बहुत पास में है तब हम लोग इस तरह बेल्ट में वी बेल्ट का यूज करते तो वी बेल्ट का आप देखिए ये डायग्राम है फ्लैट बेल्ट का हमारा ये डाय कभी कभी सर्कुलर बेल्ट और रोप यूज करते हो तो आपको मालूम है कि जैसे ऊपर नीचे जब हमारा मशीन जाती है जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जो स्लैब स्लैब आप स्लैब डलाते हैं छतर तो उसमें एक जो कैरी मशीन आती है तो वो गोल गोल व्हील्स पे चलती है तो दैट इज अ सर्कुलर बेल्ट और रोप इज मोस्टली यूज्ड इन द फैक्ट्री एंड वर्क फॉर वेयर जनरेट अमाउंट ऑफ पावर टू ट्रांसमिट फ्रॉम वन पुली पुली टू टू अनदर आर मोर देन मीटर जहां पे डिस्टेंस आप देखिए आठ मीटर दस मीटर से ज्यादा डिस्टेंस होती है सो तो वहां हम लोग सर्कुलर बेल्ट भी यूज करते हैं सो दिस इज कॉल्ड द बेल्ट टाइप तो हमारा बेल्ट का सिलेक्शन कैसे होता है बेल्ट का पावर किस पे डिपेंड रहता है और कितने तरह की बेल्ट यूज होती है मार्केट वो मैंने आपको डिस्कस किया बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट uh, कंसेप्ट नहीं है लेकिन मैंने ये बताया है कि आप बेल्ट में ये मैंने इसलिए रख दिया था कि आप कैसे बेल्ट एक पुली से दूसरे पुली पे जोड़ते हैं उनको जोड़ने का तरीका कैसे होता है सो इनको शॉर्ट में मैं डिस्कस करूंगा ज्यादा हार्डली uh, क्योंकि ये पॉइंट के अपने बाहर है सो so, ये जो चलता है उसको ड्राइवर बोलते हैं और जो uh, uh, ड्राइवर की सहायता से चलाया जाता है उसको ड्रिवन कहते हैं सो so, ड्राइवर और ड्रिवन के ऊपर जब पट्टा चलता है तो जो नीचे वाला साइड होता है टाइट साइड ऊपर वाली जो साइड होती है that is called slack side. So, जब जब आपका पट्टा आपका ड्राइवर आपका मान लीजिए एक डायरेक्शन में और ड्रिवन भी आपका एक ही डायरेक्शन में चलता है सो so, मतलब दोनों डायरेक्शन ड्राइवर और ड्रिवन के शाफ्ट एक ही डायरेक्शन में जब चलाए जाते हैं उस जगह जो अरेजमेंट हम लोग पट्टे का करते हैं दैट इज कॉल्ड ओपन बेल्ट ड्राइव जब लेकिन हमें ड्राइवर और ड्रिवेन के पट्टे का क्या करना है हमें डायरेक्शन चेंज करना है उस जगह हम बेल्ट को क्रॉस करके लगाते हैं इस तरह क्रॉस फिट करते हैं सो so वो क्रॉस बेल्ट ड्राइव होता है जिसमें ड्राइवर और ड्रिवेन का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज कर रहा है मान लीजिए ड्राइवर आपका क्लॉक चल रहा है और ड्रिवेन तो आपका एंटी क्लॉक चलेगा सो दिस इज द बेसिकली व्हाट इज द बेल्ट हाउ द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द बेल्ट

नेक्स्ट वी विल मूव टू द बेयरिंग व्हाट इज अ बेयरिंग बेयरिंग को भी मैंने जस्ट एक डायग्राम बनाया था मैंने क्या कहा था आपने एक चीज देखा होगा कि जब आप चक्की के बस ये आपका एक शाफ्ट है एक शाफ्ट ये है इस शार्ट पे एक पुली बंधी हुई है इस शार्ट एक पुली बंधी तो ये शर्ट आपने ध्यान से देखा होगा कि ये किसी इसमें फंसा रहता है जिसमें ये शर्फ्ट घूमता रहता है और ये ये नहीं घूमता है ऊपर वाला पार्ट इसका नहीं हो इसके अंदर ये घूमता रहता है सो दिस इज कॉल्ड बेयरिंग आप ध्यान से इस बार चक्की मशीन में आप चक्की देख लीजिएगा तो आपको चक्की या शाफ्ट या पंखे में आप देखिएगा पंखा जो होता है शीलिंग फैन उसमें क्या होता है ऊपर एक फंसा रहता है और नीचे वो गोल गोल जो लगा रहता है उसमें क्या करता है आपका वो पंखा ऐसे रोटेट करता है उसी शाफ्ट अंदर तो जो अंदर शाफ्ट जो अंदर जिसके रोटेट करता है वो जहां फंसता है दैट इज कॉल्ड द बेयरिंग सो बेयरिंग इज एन मशीन एलिमेंट विच आर टू सपोर्ट अ रोटेटिंग मेंबर बेरिंग क्या करता है उस सपोर्टिंग uh, जैसे दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड अ सपोर्ट ये एक साफ्ट है ये आपका साफ्ट है और इस साफ्ट पे हमने क्या कर दिया ये एक ये साफ्ट आया और इस बेरिंग में फंस गया

बेरिंग ऐसे होती है ये गोल हुआ और ये गोल हुआ तो इसमें क्या करता है इनके बीच में क्या छर्रे आप कभी बेरिंग देखिएगा खोल के इसमें बीच में छर्रे पड़े रहते हैं और इसमें क्या होता है इसकी के बीच में क्या करता है रन करता है सो so, रू ये क्या करता है बेरिंग ट्रांसमिट द पावर लोड फ्रॉम

आप कभी देखिएगा लीजिएगा तो स्टेशनरी रहता है so, bearing. Bearing दो तरीके की होती है एक स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग है एक रोलिंग कॉन्टेक्ट बेरिंग है फिर इनके फर्दर डिविजन है लेकिन उतना मुझे डीपली नहीं जाने अब स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेरिंग क्या होती है जब देखिए अभी मैंने आपको